आप देख रहे हैं WLBS News। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम गोंदिया ज़िले में हैं। सर ये गोंदिया ज़िला है ना? जी गोंदिया। हाँ हाँ, हम महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में हैं और यहाँ पर तिब्बती रिफ्यूज़ी कैंप है। और जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये एक, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में जाएं जहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल होते हैं, उसी प्रकार का ये टेंपल है जहाँ पर जो बुद्धिस्ट होते हैं यहाँ आकर वो अपने धम्म का जो भी उनकी जो प्रार्थनाएं होती है वो यहाँ आकर करते हैं। तो मेरे साथ में हैं सर, आपका नाम बताएं? कर्मा रुग्गेल। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर लगभग कितने सालों से, आपके जो पूर्वज या आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमारा जो सेटलमेंट जो ये शुरुआत 1972 से हुआ है। तो हम जब जिस तरीके से हम लोग नागपुर से यहाँ पे पहुँचे हैं तो काफ़ी सड़क जो ऐसी है कि आवागमन का साधन जो है, सड़क तो बहुत अच्छी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कोई साधन नहीं चलता है। तो आप लोग कैसे, कभी आना जाना होता है तो कैसे आते जाते हैं? तो यहाँ पर अभी एक ऐसे प्राइवेट ट्रेवल्स आता है लग्जरी, एक उसी से फिर हम लोग आना जाना करते हैं। यहाँ से सुबह का टाइम ही रहता है एक टाइम। आप लोग यहाँ पे रहते हैं तो आप लोगों के साथ मतलब लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो तिब्बत के हैं और जो यहाँ आके बस गए हैं? हम लोग अभी यहाँ पे दो सेटलमेंट कैंप है, तो इसमें जो पॉपुलेशन है 1000 से 1200 तक के बीच में है। 1000 से 1200 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप 1000 से 1200 लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके बच्चे भी होंगे, उनको पढ़ने लिखने की यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होती? उनके लिए कोई स्कूल है या नहीं है? हाँ, यहाँ तो कोई स्कूल का परेशान तो नहीं है। वैसे 5वीं क्लास तक है यहाँ पे। गवर्नमेंट का स्कूल है? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग यहाँ पर सेंट्रल स्कूल करके पहले से यहाँ पर है। 8वीं तक था पहले, तो अभी जो बच्चों थोड़ा कम हो गया तो अभी 5वीं तक रहता है। और यदि आप बीमार होते हैं है ना, तो यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल चिकित्सालय की व्यवस्था है? यहाँ अभी वैसे छोटा छोटा ऐसे डिस्पेंसरी वगैरह तो अर्जुनी मोरगांव में है। वैसे सेटलमेंट का भी एक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, एक छोटा सा डिस्पेंसरी है, इसमें हो जाता है। फिर ज़्यादा तकलीफ रहा तो नागपुर गोंदिया लेके जाते हैं। आप एक सवाल, हम जब यहाँ पे पहुँचे काफ़ी दूर दराज जंगल के बीचों बीच है, अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजू बाजू बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल जंगल है और यहाँ पे कुछ बहुत ही आउट एरिया है, रिमोट एरिया है। तो आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं, आप लोग शहर के आसपास क्यों नहीं रहते? जी वो तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको ऐसे ज़मीन दिया है वहीं तो रहना पड़ेगा, हमारी मर्जी से तो कहीं भी रह नहीं सकता है ना सी। अच्छा, गवर्नमेंट से आप लोग कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे आप लोग को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो गवर्नमेंट आपकी बात सुन सके? जी अभी हमको क्या है, थोड़ा ये जो खेती करता है हम लोग, तो खेती में भी जो रोक लग जाता है बराबर नहीं होता है, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट तरफ से सब्सिडी वगैरह लोकल पीपल लोगों के लिए रहता है, लेकिन हमारे इसमें नहीं रहता है जी, इतना तकलीफ है। और ये गाँव के अंदर ये जो रोड जो है वे इसमें बहुत ही तकलीफ है। अच्छा, गांव की रोड ख़राब है? जी हाँ, रोड बहुत ख़राब है। अच्छा, रोज़गार का क्या साधन है आप लोग, क्या रोज़गार का, जैसे खेती तो करते हैं उसके अलावा और कोई साधन है क्या रोज़गार? अभी क्या हम लोग है ना, हमारा जो सीजन का एक धंधा करता है स्वेटर का। अच्छा, तो इसमें थोड़ा हम लोग आज धंधा ठीक हुआ तो इसमें हम लोग बच्चों का पढ़ाई वगैरह कॉलेज वगैरह भेजना जो उसी में चलाता है। और 90% हमारे लोग इधर है कि जो मिलिट्री में है यहाँ के लोग, तो इसमें हम लोग खर्चा चला लेते हैं। अच्छा, आप लोग के परिवार के लोग मिलिट्री में भी हैं, भारतीय सेना में भी? हाँ, सेना में भी है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोग ये जो रिलीजन या जो जिस धर्म को आप लोग मानते हैं, वैसे हम तो जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पे जितने भी तिब्बती लोग रहते हैं वो सारे बुद्धिस्ट हैं क्या? हाँ, सभी बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, सभी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं? जी, जी। अच्छा, जब बुद्ध पूर्णिमा यहाँ मनाई जाती है तो किस प्रकार से माहौल रहता है इस एरिए का? बुद्ध पूर्णिमा में इस मंदिर में पूजा रहता है, पब्लिक आता है दिन भर, यहाँ पर पूजा करते हैं और लोगों को खाना वाना खिलाते हैं ऐसे। यहाँ पे कभी दलाई लामा जी आए हैं, आए हैं या नहीं आए हैं? हाँ, कई बार आया है। यहाँ दलाई लामा जी यहाँ पे पहुँचे? हाँ जी, दलाई लामा जी यहाँ पर 7-8 बार पहुँचे। अच्छा, तो
उनका दलाई लामा जी जब यहाँ आते हैं तो आप लोगों के बीच में वो किस प्रकार की बात करते हैं, आप लोगों के जो दुख तकलीफ है उसके बारे में वो समझने की कोशिश करते हैं? हाँ जी, वो तो समझने की कोशिश करेगा ना, वो तो हमारा जैसे हम माँ बाप बच्चों को कितना ये देखभाल करते हैं उसी तरह का हमको सभी में उस ये करता है, हमको सहयोग करता है दलाई लामा जी। हाँ तो दोस्तों, हमने इनसे बात की, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो हम इनसे करना चाहते हैं, लेकिन पीछे जो आप शोर शराबा सुन रहे हैं इस कारण अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।